हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और आज हम बात करेंगे कक्षा 9th की अर्धवार्षिक परीक्षा के विज्ञान के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में, जो कि आपका आज हुआ है। 75 नंबर का पेपर आया था, देख लेते हैं फटाफट इसके सही विकल्प का। तो पहला क्वेश्चन था आपके सामने, निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातन की क्रिया प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर आएगा कपूर। तापमान का एसआई मात्रक होता है तो कैल्विन होता है। निम्न में से यौगिक कौन सा है? तो जल है। नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 14 होता है। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की है? तो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की है। इसका सही आंसर आएगा चैडविक। निम्न में से किसे कोशिका का रसोई कहा जाता है, यानी कि जहां पर कोशिका का भोजन बनता है? तो हरित लवक। तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? तो न्यूरॉन होती है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। कालिस्थान देख लेते हैं। यदि वस्तु की गति का पथ सीधा हो तो ऐसी गति को सरल रेखीय है ना गति कहते हैं। न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व पर आधारित है? तो प्रथम नियम। और गति का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। और गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक किलोवाट होता है। और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, अरहर किसका अच्छा स्रोत होता है? तो प्रोटीन का होता है, अरहर यानी कि तुअर की दाल। ठीक है, अब एक वाक्य में उत्तर लिखना था। श्वेत क्रांति के जनक का नाम क्या है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। जल और एसीटोन के मिश्रण को किस विधि से अलग करेंगे? तो आश्वन विधि से। बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? तो भौतिक। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में कौन सी धातु होती है? तो मरकरी यानी कि पारा होती है। क्लोरीन का प्रतीक चिन्ह Cl होता है। द्विपरमाणिक अणु का उदाहरण है तो है ना O2, Cl2, H2N2, ये सब द्विपरमाणिक अणु का उदाहरण है। सही जोड़ी हम देख लेते हैं यहाँ पर फटाफट आपके सामने। सही जोड़ी देख लीजिएगा, रेखित पेशी जो होती है वह ऐच्छिक पेशी होती है। हरित लवक जो होता है वह पौधों में पाया जाता है। जल का संवहन किसके द्वारा होता है? तो जल का संवहन जो होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। नारियल का रेसा स्क्लेनकाइमा का बना होता है। एक अश्व शक्ति यानी कि 746 वाट। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। प्रोटियम और ड्यूटेरियम कौन है? तो ये समस्थानिक है। और कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आपको सारे ही प्रश्न के आंसर बता दिए। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, सारे ही प्रश्न बिल्कुल सटीक है उत्तर इनके। और ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दे। और ये वीडियो जो आपको पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नए वीडियो में।